पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रथम पुण्यतिथि पर सीएम के गृह जिला मंडी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। सदर भाजपा मंडल की ओर से सर्किट हाउस मंडी में पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित किया और उन्हें याद कर नमन किया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रथम पुण्यतिथि पर सीएम के गृह जिला मंडी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। सदर भाजपा मंडल की ओर से सर्किट हाउस मंडी में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए और उन्हें याद कर नमन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके बताए मार्गों पर चलने का प्रण लिया। सदर भाजपा मंडलाध्यक्ष मनीष कपूर ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी व उनके द्वारा किए गए कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता है। राष्ट्र के लिए समर्पित अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए हिमाचल को कई सौगातें दी हैं। उनके मार्गदर्शन में हिमाचल व देश ने एक नई दिशा हासिल की थी। उन्होंने बताया कि उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बताया कि अटल के सिद्धांतों पर चलकर ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। जैसा कि हमें मालूम है, आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रथम पुण्यतिथि का दिवस है। आज राष्ट्र उनको उनके महान कार्यों के लिए, देश के लिए किए गए उनके अतुलनीय कार्यों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी सदर मंडल अपने प्रिय नेता श्रद्धेय अटल जी के पुण्यतिथि पर सभी कार्यकर्ता मिलकर उनको याद कर रहे हैं। उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रण ले रहे हैं और जो विश्व में भारत का एक अतुलनीय स्थान होना चाहिए, जो मार्ग माननीय अटल जी ने हमें बताया है, उस पर कैसे हम और आगे और तेजी के साथ बढ़ सकें, इसके लिए जो माननीय मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों में अपना योगदान कार्यकर्ता के रूप में हम दे सकें, इसके लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यही आज के हमारे कार्यक्रम का एक विषय है। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते थे और मनाली के प्रीणी में उनका घर भी है, जहां आज भी उनकी स्मृतियां हैं, जिन्हें देखकर स्थानीय ग्रामीण उन्हें याद करते हैं। उन्होंने कई मंचों से सार्वजनिक तौर पर हिमाचल प्रेम जाहिर करते हुए कई तोहफे भी दिए थे।